भिलाई में मवेशियों के अवैध परिवहन पर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुरानी भिलाई पुलिस ने मवेशियों के साथ वाहन को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस को पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम पथर्रा में दो घरों के अंदर सैकड़ों की संख्या में मवेशी रखे होने और उन्हें बूचड़ खाने ले जाने की तैयारी किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने छापा मार कर कार्रवाई की और पथर्रा गाँव के टाटा एस मिनी ट्रक एवं अन्य गाड़ियों पर भरे ले जा रहे 80 से अधिक मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और मवेशियों के स्वास्थ्य का परीक्षण के बाद कोसा नगर के गौठान में इसे शिफ्ट किया गया है और पथर्रा गांव के विशाल भारती उर्फ विक्की, संगीत मधुकर उर्फ टेटे के विरुद्ध पशु क्रूरता नियम के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ लोग जो है वहाँ पर में जो मवेशी हैं उनको अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं और अभी कल तक खाना ले जाने की तैयारी चल रही है करके इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। सीएसपी बात है करके उनके निर्देशन पर एक टीम तैयार की गई, सीएसपी सर और एसएसयू की टीम और कुछ लोग सभी जो है रात में यहाँ पर रेड कार्रवाई की। तो आकर देखिए कि ये ग्राम पथर्रा का जो प्राथमिक स्कूल है उसे लगा हुआ एक कोठार है जहाँ पर मैं करीबन तीन गाड़ियाँ टाटा की जो मिनी ट्रक आती है उस टाइप की थी वो वहाँ पर मैं जो वहाँ जाकर देखे तो वहाँ पर मैं करीबन 70-80 के आसपास में मवेशियाँ थी। मवेशियों का परीक्षण कराया गया जिसमें 19 और अभी इन लोगों को शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। उनको नगर निगम का जो कुसा नगर कुसा नहर वाला जो गौठान है वहाँ पर मैं इन लोगों को शिफ्ट